क्योंकि तुम रात को सोती नहीं हो और थाने में ही रहती हो, इसलिए आज से नाइट ड्यूटी की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। जब भी कोई यहाँ आएगा कंप्लेंट लिखवाने, तो उसकी FIR तुम रजिस्टर करोगी। FIR का मतलब जानती हो? FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई इंसान अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के कानूनी अपराध के लिए थाने में आता है शिकायत दर्ज करवाने के लिए, तो उसे लीगल टर्म्स में FIR कहते हैं। FIR में अपराध का पूरा ब्यौरा और वादी और प्रतिवादी के सभी पहलुओं को एनालाइज किया जाता है और उसी के बेसिस पे केस का लीगल प्रोसीजर तय किया जाता है और गवाहों और साक्षियों के आधार पर केस की रूपरेखा तैयार की जाती है। गुड, इम्प्रेसिव। हाँ, बस ये जरूर चेक कर लेना कि वो लीगली फंक्शनेबल है कि नहीं। जी मैडम सर। और हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं गड़बड़ नहीं करती, मैं एक मशीन हूँ। गड़बड़ इज ह्यूमन वीकनेस। ओके ओके, गुड लक। थैंक यू मैडम सर। जय हिंद। हमको जय हिंद नहीं करोगी? नो। किसी चक्कर में मत रहना तुम। एक दिन ऐसा ठोकेंगे ना तुमको, किलो के भाव में बिकोगी तुम कबाड़ खाने में। समझ रहे हो हमारी बात को? ये धमकी है, थ्रेट, लीगल एलिगेशन, FIR बनती है मैडम सर। नहीं 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 मीरा, मीरा, होल्ड इट होल्ड इट। रहने दो, ये सब मजाक कर रही हैं। ओके? मजाक? वो क्या होता है मैडम सर? धीरे धीरे हम तुम्हें वो भी सिखा देंगे, फिलहाल के लिए जाने दो, ठीक है? ड्यूटी पर ध्यान दो। ओके? ओके मैडम सर। और एक चीज तुम्हें याद है ना, जब तक हम परमिशन नहीं देते आप किसी पर फिजिकली अटैक नहीं करेंगी। क्लियर मैडम सर, नो अटैक। चीता चतुर्वेदी, आज इनकी ड्यूटी का पहला दिन है। रात है मैडम सर। रात है, होशियार रहिए, नजर रखिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? हाँ मैडम सर। हाँ चलिए। Excuse me, मीरा जी, आप सोती नहीं है? नहीं, मुझ में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। अगर मैं सो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब मुझ में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है और किसी को एप्लीकेशन भी नहीं देना है सोने का, सो आई कैन स्लीप। जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो सकते हैं। आप मीरा जी, थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो नेट टलना क्या, बिलोटा को नहीं देखना था इसीलिए इसे आग बंद किए थे, सो नहीं रहे। गुड। आई लग जाते हैं। कोई है? कोई है? मैडम, मैडम मुझे नमस्ते, मुझे कंप्लेंट। नमस्ते, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अभी तो कहा मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। जरूर, आइए बैठिए। आपका नाम? पायल। जिसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है उसका नाम? वही कमीनी मिसेस मलखानी। वही कमीनी मिसेस मलखानी? अरे सिर्फ मिसेस मलखानी, कमीनी तो मैंने बोला है ना। सिर्फ मिसेस मलखानी। अपराध? उसने मुझे क्लब के अंदर जाने से रोका। आप ही बताओ, क्या इज्जत रह गई मेरी? कुछ भी नहीं। उसने मेरे दोस्तों को अंदर छोड़ दिया और मुझे बाहर। आपको पता है मेरे सारे दोस्त मुझे ऐसे ऐसे बाय बोल रहे थे, ऐसे। वेरी रॉन्ग, बाय ऐसे बोलते हैं। अरे बाय कैसे भी बोला जाए, आप रिपोर्ट लिखो ना मेरी। क्यों रोका आपको? कि मैंने साड़ी पहन रखी है। उसका ये कहना है कि साड़ी पहनने वाली लेडीज क्लब के अंदर अलाउड नहीं है। साड़ी? साड़ी क्या होता है? क्या तुम्हें साड़ी नहीं मालूम क्या होती है? नहीं, आप बता रही हैं या मैं सर्च करूं? ये ये आपका मतलब है ये सिल्क का 6 मीटर लंबा कपड़ा? क्या बकवास कर रही है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुमसे ना ये काम होगा ही नहीं, तुम्हें रखा किसने यहाँ पर? तुम एक काम करो, बाहर जाओ और वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास का ये है ही नहीं। हेलो मैडम, घूर क्या रही हो? रिपोर्ट लिखो मेरी। कंप्लेन तभी लिखी जाएगी जब वैलिड होगी। तुम अभी के अभी मेरे साथ बटरफ्लाई क्लब चलो और वहाँ चलकर देखो। ठीक है, मैं आपकी बात की सत्यता जांचने के लिए आपके साथ चलती हूँ। क्या
मैडम हिंदी बोलेंगी? मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, चलिए। हाँ चलिए। कहाँ कर रही है पुष्पा जी, ये क्या हमारे क्या आर पार निकल जाएंगी क्या? ना दो मिनट, आपको सबर नहीं है। अब हम पहले चले जाएंगे तो क्या भूचाल आ जाएगा? भूचाल ही आ जाएगा, वो टीम की चुड़ैल है जिसने हमारे सुर बिगाड़ के रखे थे। पता नहीं अगर आज भी हमें देर हो गई ना तो क्या क्या डीएसपी सर की कान भरेगी, ऊपर से मैडम सर के सामने क्लास लगेगी, सो अलग। इनसे भी क्या बात नहीं, करना? नहीं आप इतना, हमें एक समझ में नहीं आ रहा, टीम के डब्बे से इतना काय डरती हैं? एक शब्द भी बोल के देखें आपको, उसको फूल हार चढ़ाएंगे। हाँ फिर कंधे पे रख के ना उसको अंतिम यात्रा पे लेकर जाएंगे हम। और वैसे भी कुत्ता जो खुद को काटे अपना जख्म खुद ही चाटे, ये खुद का दुश्मन है, इसने पक्का रात को कुछ गड़बड़ किया होगा। चलो जाके देखते हैं। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। इतना आवाज है? हाँ ये सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? और चीते तुम क्या ढूंढ रहे हो? जय मैडम, मैडम हमसे मत पूछिए पुष्पा जी, क्या बज रहा है? इनसे पूछिए क्या बज रहा है? पता नहीं रात को कौन सा ऐसा मशीन लगा दिया, तब से अलार्म बज रहा है, पूरा रात नहीं सोए हैं हम। प्लीज खोजिए पुष्पा जी, प्लीज खोजिए, खोजिए खोजिए। इस टीम के डब्बे के टेबल पे देखिए क्या लगा दी है। हाँ, हाँ, पता ना कहाँ क्या लगा दी है। भारो भारो क्या आवाज है ये, भारो सीधा खड़े रहो। मैडम मैडम एक काम संतोष जी को करने दीजिए। भाग उल्टा हो। आइडिया निकाला है मीरा मैडम ने इस आलसी को जगाए रखने के लिए, मैं तो दोबारा इंप्रेस हो गई। बताइए संतु जी, अब आप मशीन से इंप्रेस हो रही हैं? हमें का नया बवाल लाइयो तुम, काहे उसको रात भर जगाए रखा तुमने? हाँ काहे अलार्म लगाया उस पे, जवाब दो, जवाब दो। जय मैडम, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो गया मैडम सर? मैडम सर हम बताते हैं क्या हुआ, मैडम सर हम बताते हैं। देखिए 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 मशीन को देखिए मैडम सर, पता नहीं इनको का दुश्मनी है, हमसे हमारे कॉलर के पीछे ऐसा अलार्म लगाई थी, पूरा रात पागल कुत्ता की तरह पूरा हवेली छान लिए। ऐसा दो तीन दिन चलता रहा तो हम बच नहीं पाएंगे मैडम सर, हम मर जाएंगे, हम गुजर जाएंगे संतु जी, क्या होगा? चीते और नहीं तो क्या मैडम सर, ऐसे तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा, खुद सोती नहीं तो क्या दूसरों को भी सोने नहीं देगी क्या? क्या हो गया मीरा, क्यों रात भर सायरन लगा के रखा था चीता पे? जरूरी था मैडम, हमें एक केस की वैलिडिटी चेक करने के लिए थाने से बाहर जाना था और पीछे से थाना स्टाफ में सिर्फ चीता चतुर्वेदी ही थे जो ड्यूटी पे थे और सो रहे थे। गजब गजब। इसलिए उन्हें जगाए रखने के लिए हमें ये करना पड़ा ताकि वो जगते रहें और पूरी अलर्टनेस के साथ अपनी ड्यूटी करें। तो कल रात को थाने में कोई केस आया था? यस मैडम सर, हमने नोट भी किया था लेकिन दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि केस लीगली वैलिड नहीं था, हमने खुद वेरीफाई किया है। देख रही मैम, मैडम जो केस वायलेट नहीं था उसके लिए हमारे पीठ पर अलार्म लगा दी, भर रहा था मैडम ऐसे ही घूम रहे थे। मैडम मैडम आप मशीन है, आप खाती नहीं, आप पीती नहीं, आप सोती नहीं, लेकिन हम इंसान है मैडम, हमको खाना पीना नहाना सोना सब कुछ करना पड़ता है। एक मिनट हम समझाते हैं। देखो मीरा, ह्यूमन बॉडी को कभी कभी रिचार्ज होने के लिए पावर नैप लेना होता है, बस 15 से 20 मिनट काफी होता है। 15-20 मिनट? 5 मिनट का पावर नैप काफी होता है ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है? तो हर किसी को हमेशा जगाए रखना जरूरी नहीं। ठीक है मैडम सर। फ्रेंड्स सॉरी नॉट पॉसिबल, तुम्हारा आईक्यू लेवल काफी लो है, इट्स नॉट अ मैच। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? आपको पता सबसे ज्यादा इस थाने में इंटेलिजेंट है कोई तो वो मैं हूँ।
मेरे कॉलेज में ना सब मुझे तेनाली रामा बुलाते थे. क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व कर देती थी मैं. ये तो कुछ भी नहीं है. थाने में जितनी भी साइबर से रिलेटेड केसेस आते हैं ना, वो सारे मैं संतोष शर्मा ऑपरेट करती हैं. ये भी कुछ नहीं है. ये लूडो में, सांप सीढ़ी में और जितने भी ये पजल वाले गेम ना, यूं 10-10, 15-15 मिनट में सॉल्व कर दूं मैं. और चेस? बस एक गेम आती है तो चेस. हाँ, मुझे कह रहे हो कि IQ मैच नहीं होता. क्या खीखी बिल्लू जी, आपको पता है एक चीते को छोड़ के ना कोई ध्यान नहीं देता कि संतोष कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है. जिस दिन किसी ने सोच लिया ना कि नहीं, हाँ है संतोष इंटेलिजेंट, नासा से ऑफर आएगा मेरे लिए, मेरे लिए. संतोष जी शांत शांत, संतोष जी हम आ गए, संतोष जी हम आ गए, शांत शांत शांत. हाँ तो फिर बिल्लू जी को समझाओ ना, क्यों इतना हंस रहे मुझ पे. कह रहे बिल्लो अभी फ्रेंड्स, सॉरी स्टिल नो मैच. देख रही हैं पुष्पा जी आप, देख रही हैं ना, मतलब हमारी संतु जी एक मशीन से दोस्ती करने के लिए कितना ज्यादा व्याकुल है. हम कब मर गए हैं पुष्पा जी. अरे जाने देना चीते, मशीन है वो, टेबल फैन ही समझो ना. मतलब जब तक हवा दे रहा है तब तक ठीक है, जिस दिन करंट मारेगा कबाड़ में. मैडम सर, आप गाय इस मशीन को ट्रेनिंग देने के झमेले में पड़ रही हैं. वो मशीन है, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला मैडम सर. वो ऐसे ही 2-4 बार और बड़ा बड़ा गड़बड़ करेगी ना, हम CCTV फुटेज DSP सर को दिखा देंगे. फिर आप देखिएगा कैसे उस कबाड़ को ना ऐसे बाहर निकाल फेंकेंगे वो. आप इतना लोड काहे ले रही हैं करिश्मा सिंह. वो एक मशीन है लेकिन आप तो इंसान है ना, और आप अच्छे से समझती हैं कि जब डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देता है तो उसे पूरी सिंसेरिटी से निभाना चाहिए. हम बस वही कर रहे हैं. और जहां तक बात केस की है तो एक मिनट, अभी मीरा ने कहा ना कि कल रात को कोई केस आया था जो उसे इनवैलिड लगा. कहा तो था मैडम सर. आपने पूछा उस केस के बारे में? नहीं, हमने नहीं पूछा. भी आइए पूछते, आप अपना काम कर सकती हैं. थैंक यू. IQ? फिर से IQ बोला आपने. थैंक यू कहा मैंने. थैंक यू. मीरा, तुम कह रही थी कि कल रात को कोई केस आया था जो तुम्हारे हिसाब से इनवैलिड था. यस मैडम सर, जैसा कि मैंने कहा, मैंने पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन केस लीगली वैलिड नहीं था. ओके, तो तुमने पर्सनली जाकर जो इन्वेस्टिगेशन. महिला पुलिस थाना, हाय हाय. महिला पुलिस थाना, हाय हाय. महिला पुलिस थाना, हाय हाय. 1, 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार. शांत शांत, हाय हाय. 1, 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार. सुन रहे हैं आपकी बात, शांति से एक एक करके बताइए. इस तरह से शोर में बताएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. ये शोर नहीं है मैडम. ये शोर नहीं है तो का है? ये नारी शक्ति का आंदोलन है. ये आपके इस पुलिस थाने के खिलाफ प्रदर्शन है हमारा. महिला पुलिस थाने में ही हम जैसी महिलाओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो आप ही बताएं हम जैसी महिला कहाँ जाएंगी न्याय मांगने. 1, 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार. 1, 2, 3, 4 बंद करो ये अत्याचार. महिला पुलिस थाना, हाय हाय. देखिए, आप में से कोई एक शांति से बताइए तब हम आपकी बात समझ पाएंगे. बताइए क्या हुआ है. अरे बताना क्या है मैडम, इनसे पूछिए ना जो आपके पीछे खड़ी है आपकी अफसर. कल रात इन्होंने ही तो मेरी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था. पूछिए. चीते, हमको तो लगता है इसने कल बहुत बड़ा बवाल कर दिया. अब इसका थाने से आउट होने का समय आ गया. 1, 2, 3, 4 एक मिनट मैडम सर ने कहा ना, एक मिनट. क्या मामला है बताइए. आपने बटरफ्लाई क्लब का नाम सुना है? वही ना जहाँ हर थर्सडे 1 पैग एंट्री फ्री रहती है. ये किसके साथ जाती है पुष्पा जी? नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड जाती है ना, तो इसलिए मुझे पता है. अच्छा अच्छा, फ्रेंड ऐसे. ठीक. हाँ वही क्लब. वो क्लब वालों ने मुझे अपने क्लब के अंदर जाने से रोका. और आपको वजह पता है क्या? नहीं, क्यों रोका? क्योंकि मैंने साड़ी पहन रखी थी. जी हाँ मैडम, क्लब वालों का ये मानना है कि साड़ी वाले गेस्ट अलाउड नहीं है क्लब में. और आपकी इस अफसर का ये मानना है कि कानून ऐसा कोई केस बनाता ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है. मतलब
मतलब गजब मैडम, एक प्राइवेट क्लब वाला सरे आम हमारे भारतीय कल्चर जिसमें साड़ी को औरत का सबसे सम्मानित और सांस्कृतिक परिधान माना गया है उसको सरे आम इंसल्ट करता है। इसमें आपकी इस अफसर को कोई बुराई ही नहीं दिखती, कोई केस ही नहीं दिखता, वो भी खुद एक औरत होकर। क्या कल तुम बटरफ्लाई क्लब गई थी? यस मैडम सर, कल जब मैं वहां पर गई थी। देखा देखा ना मैडम, गलत है ना ये? बिल्कुल गलत है, बटरफ्लाई की स्पेलिंग गलत है, ये तो बैटरफ्लाई लिखा है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वेस्टर्न आउटफिट वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ। कैसे देखो मुस्कुरा के उन्हें अंदर भेजा जा रहा है, और हम जैसी साड़ी वाली औरतों को अंदर भेजने के लिए पता नहीं कौन सी मौत आ जाती है इन्हें। मैं आपको दिखाती हूँ मैडम, आप चलिए मेरे साथ। चलिए सॉरी, साड़ी नॉट अलाउड। देखा देखा ना मैडम, अब तो आप मानती है ना मेरा केस वैलिड है? कैसे साड़ी वाली औरतों को अंदर जाने से रोक रहा है और छोटे छोटे कपड़े वाले को अंदर भेज रहा है। मैडम मैं कह रही हूँ आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा और मेरी रिपोर्ट लिखनी ही होगी। देखो डर गया, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा है। नहीं, वो सीसीटीवी के थ्रू किसी से कह रहा है कि वो पंगेबाज औरत फिर से आ गई है और इस बार किसी पुलिस वाली को साथ लेकर आई है। अरे आपको साइन लैंग्वेज आती है? हे हाय लेडीज, एनी प्रॉब्लम? क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ? आए हाय हाय हाय, देखो कैसे शहद टपक रहा है मैडम के मुंह से। अभी मैडम यही अपने बॉडीगार्ड से कह रही थी कि मुझे अंदर जाने ना दे। मैडम यही है इस केस की असली विलन, मिस मलखानी, इस पब की मैनेजर। आप सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखिए मेरी एफआईआर पे। क्या ये सच है, आपने इन्हें पब के अंदर आने से मना किया? यस ऑफिसर, सारी इज नॉट अलाउड हियर, ये हमारे पब के रूल्स हैं। ये अगर सारी नहीं पहन के आए यहाँ पे, एवरीथिंग इज अलाउड हियर एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अरे मैं और कुछ पहन के क्यों आऊं? मैं पूछती हूँ क्या खराबी इस 21,000 की साड़ी में, बताओ आप। और ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि साड़ी पहन के क्लब या पब में आना जाना मना है? मैडम आपको इनको गिरफ्तार करना ही होगा, वो भी अभी के अभी। ये सही है, कानूनन ऐसा कोई रूल नहीं है, कानूनन ये कहीं पे भी कुछ भी पहन के आने जाने के लिए पूरी तरह से आजाद है। ये ऐसी क्यों बात कर रही है? आप बात मत घुमाइए, मुद्दे पर रहिए। श्योर, 5 सेकंड। श्योर, देयर यू गो। ये हमारे क्लब की रूल बुक है, इसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है साड़ी इज नॉट अलाउड। और इन्हें ये भी बता दीजिए कि कोई भी प्राइवेट बिजनेस फर्म अपने रूल्स मॉडिफाई कर सकता है या तो फिर अपने बिजनेस के लिए बना सकता है, ये उसका राइट है। तो इसलिए इन्हें ये समझाइए कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। क्या बोलो ना कुछ। ये सही है, इनके पास अधिकार है अपने बिजनेस के रूल्स खुद बनाने का, और क्योंकि इनके रूल में साड़ी अलाउड नहीं है इसलिए कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपका केस वैलिड नहीं है, मैं आपकी एफआईआर नहीं लिख सकती, केस डिसमिस्ड। ये शारी में क्या बात कर रही है? ये कह रही है अच्छा हुआ कि हमने अभी अभी ये रूल इनकी रूल बुक में ऐड कर लिया, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और फिर भी आप इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये तो सरासर चीटिंग है मैडम, इन्होंने अभी अभी रूल बुक में रूल ऐड किया है, आपको इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा अभी के अभी। रूल चाहे अभी लिखा हो या पहले, पर अब ये रूल इनकी रूल बुक में है इसलिए कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता। शर्म नहीं आती? औरत होकर औरत के खिलाफ जाते हो? देखो तो इतना सब होने के बाद भी कैसे सर उठाकर खड़ी है। अरे शर्म नाम की कोई चीज भी है तुम्हारे अंदर? शर्म जानती हूँ, शाइनेस, पर उसे अप्लाई करने की एप्लीकेशन नहीं है मुझ में। शर्म की एप्लीकेशन? अरे ये क्या बोल रही है? अरे चिढ़ा रही है हमें, मजाक उड़ा रही है हमारा, इसे कोई पछतावा है ही नहीं अपने किए पे। अरे अगर एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड करो ना, पर थोड़ी तो शर्म करो। मैडम सर, डाउनलोड करूं? मैडम सर, हमें लगता है आपको स्टीन के डिब्बे को ना वो शर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल देना चाहिए, नहीं तो ये आपा खो रही है मैडम सर, हमारा महिला थाना ना महाभारत का मैदान बन जाएगा अभी। मीरा,
शर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करो जल्दी। ओके मैडम सर। इसे क्या हुआ, खड़े खड़े सो गई क्या? गजब। मुझे शर्म आ रही है। मैडम सर, शायद इन्होंने शर्म की गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबको पता चल जाएगा कि मशीन है। मीरा नॉर्मल हो जाओ। देखिए दरअसल ये हमारे थाने में नई आई हैं, इनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, सो इनकी तरफ से हम आप सबसे माफी मांगते हैं। ओके मैडम, हमें माफी नहीं, हमें हमारा आत्मसम्मान वापस चाहिए। जिन क्लब वालों ने हमें साड़ी में क्लब के अंदर जाने से रोका था, जब तक वही क्लब वाले हमें इसी साड़ी में क्लब में एंट्री नहीं देंगे, वो भी सम्मान के साथ, हम में से यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। हम कोई नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं रहेंगे। प्लीज प्लीज देखिए, हमने आप सबकी सारी बातें सुन ली है, आपकी बातों को संजीदगी से समझा जाएगा, जरूरी कार्यवाही भी होगी, आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए आप ये प्लीज मोर्चा बंद कीजिए और अपने अपने घर जाइए। ठीक है, हम जाते हैं, देखते हैं क्या कर लेते हैं। चलो मीरा की मदद करने में मैडम सर कहीं हमारे थाने को मुसीबत में ना डालते।